बांदर उछल रहा है। इंडिया जो कहता रहता है ये काले कलोटे से, कहना नहीं चाहिए काली मखलूक है, लेकिन ये लानती जो मुसलमानों के बारे में भोंगते हैं कुत्ते की तरह, तो आज मुझे मौका मिला है तो मैं इन कुत्तों कहूंगी कि अपनी जुबानें बंद रखो, मुसलमानों के खिलाफ भोंगने की जरूरत नहीं है। इधर शेर लोग रहते हैं, शेर माँ के बच्चे पैदा किए हैं। काफरो गाय का पेशाब पीने वालों, लानती हो ठीक करें उनके लिए, हम उनके लिए कोई राशन को जिस तरह ने आप कितना आपने देखा कि उन्होंने गजा को बिल्कुल मुआसरा किया था, ठीक है, वहाँ पे कोई चीज़ नहीं आगे जा रही, तो इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। हमारे लीडर, हमारे जो वजीर आजम साहब हैं, इनको चाहिए कि ये दूसरे मुसलमान ममालिक के साथ पास जाएँ, उनसे रابطہ कायम करें। ये क्या पाकिस्तानी कौम है कि हक के लिए उठती नहीं है, बोलती नहीं है, पता नहीं इसराइल से कुछ लेके खाया हुआ इन्होंने, पता नहीं क्या, या तो पासपोर्ट पे लिखा हुआ है सिवाय इसराइल के, या हर जगह इस्तेमाल हो सकता है, इसराइल नहीं जा सकते, तो फिर इसराइल का इतना साथ क्यों देते हैं भाई? इनको कम से कम उसके वहाँ अपने मुसलमान भाई के लिए हक में उठना चाहिए। मेरे तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारी हुकूमत को इस चीज़ का फुल एक्शन लेना चाहिए, और इसके अलावा आर्मी चीफ को करना चाहिए। हमारे जो हुक्मरान हैं ये तो बिल्कुल जो है ना सो रहे हैं। इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते तो इसका मतलब है हम सब मुत्तहिद हैं। 125 अरब मुसलमान और 20 लाख यहूदी हमारे कहने में नहीं है, और ये अल्लाह पाक इस इसराइल का बेड़ा गर्क करे, सत्या ना सब मुसलमानों का फर्ज है, क्योंकि हमारे मुसलमान भाई बहने बच्चे सबके साथ बहुत जुल्म सितम तुम्हारी मीडिया दिखा रही है, ये पता नहीं नाम के मुसलमान इस चीज़ का हम सबको मिल के साथ देना चाहिए। ये सोती जगह आपके बच्चे या हमारे बच्चे हो तो हम लोगों पर क्या बीतेगी, इस चीज़ का साथ सर जो लोगों की हेल्प करें जितनी हो सकती है, उस पर कैम्प लगाएं, उनको हम दादी समाज बताएं, हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए तो उनकी लाजमी हेल्प करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नाज़रीन आप देख रहे हैं ऑन ग्राउंड विद मुदस्सर अली। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इसराइल दहशतगर्द मुल्क के बारे में। इसराइल जो है वो फ़लस्तीनियों को बेदर्दी से शहीद कर रहे हैं, जबकि हम दूसरी तरफ बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है वो एक फेस्टिवल का इनेकाद कर रही है, यहाँ पर नाच गाने का प्रोग्राम किया जा रहा है और वसी पैमाने पर जो है लोगों को इंगेज किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानब जो है हमारे मुसलमान भाई जो है वो दुख और दर्द की तकलीफ में है। हम आवाम से जानेंगे कि वो फलस्तीनियों का कितना साथ दे रहे हैं और इस जो फेस्टिवल है उसके बारे में क्या कहते हैं। चलिए, हम एक यूथ है, मुस्लिम है, तो हमारा काम बनता है कि हम फलस्तीन का साथ दें, एटमी मतलब हम होते हुए तो हम चुप हैं, खामोश हैं, हमें एक धमकी मतलब एक मतलब हैरानगी होती है। अगर मैं यकीन करें कि अगर मैं मैरिड हूँ, मैं एक दिल में मेरे आता है कि मैं चली जाऊँ फलस्तीनियों के पास जाके मदद करूँ, शहीद हो जाऊँ, तो मतलब आपकी क्या हुकूमत है, जाओ फिर वहाँ जाके आप लोग सब शहीद हो ना, फिर हम माने वहाँ जाओ यहाँ पे, क्योंकि हमारी आर्मी मतलब आर्मी चीफ है, ये सब है, ये मैं उनके एक मैसेज देना कन्वे करना चाहूँगी, हम मुस्लिम कंट्री हैं, हमें जाके वहाँ पे उनकी हेल्प करनी चाहिए, जाना चाहिए। एक धमकी तक नहीं हम कह सकते कि हम एटमी ताकत है, इसराइली की क्या औकात है, उनकी औकात है ही क्या? एक छोटा सा मुल्क है, वो एक छोटा सा मुल्क है और वो पूरी दुनिया में उसको कब्जा किया हुआ है, पूरी दुनिया पे दहशतगर्दी कर रहे हैं, खास तौर पे मुसलमानों पे दहशतगर्दी कर रहे हैं। ये वो इसलिए कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे देखिए 52 कंट्रीज हैं, इसके अलावा छोटे छोटे सिटीज हैं, तो ये किस काम की है? मतलब कि आप वो अगर आज फलस्तीन को वो छू सकते हैं ना, तो जो लोग कहते हैं नहीं पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख, क्यों नहीं देख सकता भाई? जब फलस्तीन में जाके वो पंगे कर रहा है, फसाद कर रहा है, बच्चे मार रहा है, तो इधर भी वो आएगा, जो आप लोग खामोश बंदर बन के बैठे हुए हैं ना इधर, इन्हें इस तरह ये जुल्म है। जंग के भी हसूल होते हैं, जंग के कानून होते हैं, वो तो जंग के कानून की पासदारी नहीं पास करें। अब मैं एक औरत होके एक लड़की होके ये मतलब दिल में रखती हूँ कि मैं फलस्तीन जाऊँ, तो आपके पास तो सब कुछ है, आर्मी है, सब कुछ, आप चाहो तो सब कुछ हो सकता है, और ये एक मुल्क नहीं सब मुल्क मिल के अगर एक पावर बने तो फलस्तीन की तो जर्रे बराबर वैल्यू नहीं है। तो मैं फलस्तीन को भी ये इसराइलियों को ये कहना चाहूँगी कि लानत है तुम लोगों पे, तुम पे खुदा का अजाब हो, मरो तुम लोग, मेरा दिल कहता है तुम लोगों को मेरे पास एटम बम हो तो मैं उड़ा दूँ, लानती हो मासूम बच्चों को तुम जुल्म कर रहे हो, काफरों कुत्तों, मैं तो खुलेआम बोलूँगी जी आप इसे पीट कर दें, पर मुझे आई हेट इसराइली, और जो लोग इनके सपोर्ट करते हैं ना वो तो है ही मुसलमानों के दुश्मन, वो काफिर है। डेफिनेटली कुरान में लिखा हुआ है कि ये जो कफार है ना इनसे कभी दोस्ती आपके नहीं हो सकती, यहूदों ने सारा जो ये जो प्रोडक्ट का कहते हैं जी आप बायकॉट करो, कैसे करें, हुकूमत बंद कर दे ऑटोमेटिकली बायकॉट हो जाएगा, कुछ तो करें आप मुसलमानों के लिए, कुछ तो करें, हमें रैलियां निकालनी चाहिए। यहाँ पे तो इधर पाकिस्तान में कोई मर जाए तो उसे कुत्ते के बराबर समझा जाता है, कुत्ता भी अच्छा है, मतलब यहाँ पे नहीं पूछते तो उधर फलस्तीनियों को क्या पूछना है यार। लेकिन मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहूंगी आर्मी चीफ को, खुदा के लिए आप वहाँ पे करें, वहाँ पे अपनी हमारी आर्मी जानी चाहिए,
क्योंकि अमेरिका ने अपने ये जो इंडिया बंदर उछल रहा है, इंडिया जो कहता रहता है ये काले कलोटे से, कहना नहीं चाहिए, खुदा की मखलूक है, लेकिन ये लानती जो मुसलमानों के बारे में भोंगते हैं कुत्ते की तरह, तो आज मुझे मौका मिला है तो मैं इन कुत्तों को कहूंगी कि अपनी जुबानें बंद रखो, मुसलमानों के खिलाफ भोंगने की जरूरत नहीं है। इधर शेर लोग रहते हैं, शेर शेर माँ के बच्चे पैदा किए हैं, काफरो गाय का पेशाब पीने वालों लानती हो। मैं मेरे में बहुत ग्रेशन है, मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ, बस इस कैमरे के आगे बस कुछ लिमिट्स का होता है, वरना मैं गालियाँ तक हूँ। मतलब ये लोग इस लाइक हैं, मतलब मेरे दिल में भरा पड़ा है फलस्तीन। वो वीडियोस देखें, उन माओं को देखें, उन बच्चों को देखें, कैसे उनके सर उड़ाए जा रहे हैं, माओं के लाल मार रहे हैं, बाप माँ पूरी फैमिली। जब ये हम पे बीते ना, एक बच्चा अपना कहते जब खुद पे नहीं आपके बीती ना, तो आप कुछ नहीं, आप पहचान सकते किसी के दिल पे क्या बीत रही है। हैं आप रोते रहते हो, ये इधर ही पक गया आलू टिंडे टमाटरों को इधर रोते रहते हो, और यही बस यही चला हुआ है, बस लंदन चले जाओ, वहाँ शॉपिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो। यार एक दिन कब्र में भी जाना है, हम सब ने जाना है, मैंने भी जाना है, आप लोगों ने भी जाना है, कोई किसी ने यहाँ बैठे नहीं रहना, मट्टी हो जाना है। तो प्लीज़ आई लव फलस्तीन, मैं तो फलस्तीन की आवाज़ भी बनूंगी। अल्लाह में मुझे, मैं कहती शहादत की मौत है, जाना चाहती हूँ, लेकिन क्या करें, हम माएँ हैं, मजबूर हैं। आप लोग तो मजबूर नहीं है आर्मी चीफ, आप इन लोगों को निस्तो नबूद कर सकते हैं, चाहे मैसेज उन्हें कम से कम धमकी तो लगाएं, ये सुअर इसराइली जो बंदर है। अच्छा आप बताइएगा कि एक तरफ तो हमारे जो फलस्तीनी भाई हैं उन पर जुल्म हो रहा है, और पंजाब की हुकूमत है उनकी बेहिसी देखें कि वो जो है फेस्टिवल करा रही है, म्यूजिकल कल्चर हो रहा है, म्यूजिकल नाइट हो रही, डांस डाले जा रहे हैं, भंगड़े डाले जा रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप एज ए मुसलमान होने के नाते? जो है ना, ये मुसलमानों को वैसे ज़मीर ख़त्म हो चुके हो गए हमारे, नहीं सब मुसलमानों के, जितने मुसलमान मुल्क हैं ना उनके सबके ज़मीर मर गए हुए हैं। ये चाहते हैं कि हमें ऐसे दबा के रखें, ये अंग्रेज लोग, यहूदी लोग, ये दबे रहेंगे फिर सही रहते हैं ये लोग। जितनी देर अपने सर पर नहीं ना पड़ती उतनी देर इनकी आँखें नहीं खुलेंगी, जब इनके सर पे बढ़ेगी ना फिर हाँ वो शायेगी इनको, आज भी ये क्या हो गया, अब ये याशियाँ कर रहे हैं। इनको चाहिए इंसानियत के नाते और कौन सा जवाब तो दो, आप एटमी ताकत रखते हो, पूरी दुनिया देखती है आपको। फल सबसे ज़्यादा फलस्तीन ने जश्न मनाया था हमारे, जब एटम बम चलाया था उसने बोला चलो कोई ना कोई तो मुसलमान मुल्क है जो हमारा थोड़ा सा एहसास करेगा, ये तो एहसास करने वाले है ही नहीं, इतनी बड़ी ताकत है, इनको तो दिखा दें, यही तो दिखाने का टाइम है। जब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे, जब इंडिया हमारे सर पे चढ़ जाएगा। उनको बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए, जितने मुसलमान मालिक है, इस तरह काम नहीं चलेगा, इस तरह तो सबके ऊपर हाइपी उतरेंगे ये लोग। हमारे से अच्छा ईरान है हर बात का जवाब दे रहा है, ठोक के दे रहा है, अगला मिसाइल खड़े करके दे रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी क्या नाम है जी? मेरा नाम जी राना सुहेल इकबाल है जी। अच्छा राना साहब ये बताइएगा, जो फलस्तीन पे मुजालम हो रहे हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट की बेहिसी देखिए कि यहाँ पर एक फेस्टिवल रखा गया है जहाँ पे नाच करने का प्रोग्राम भी है, ढोल की थाप पे भंगड़े भी डाले जाएंगे, और वहाँ पे हमारे जो फलस्तीनी भाई हैं वो शहीद किए जा रहे हैं, बच्चों पे जुल्म हो रहा है, इमारतें ज़मीन बोस हो रही हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखें जी बेसिकली बात पता क्या है, हम लोग जो है ना वो बेहिस कौम है। एक्चुअली गवर्नमेंट को तो ये चाहिए ना कि वो रैलियाँ निकाले, उनके हक में हम अगर उनके लिए कोई इमदाद इकट्ठी करें, उनके लिए हम उनके लिए कोई राशन कुछ, जिस तरह ने आप कितना आपने देखा कि उन्होंने गजा को बिल्कुल मुआसरा किया था, ठीक है, वहाँ पे कोई चीज़ नहीं आगे जा रही, तो इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं इनको चाहिए कि ये दूसरे मुसलमान ममालिक के साथ पास जाएँ, उनसे रबता कायम करें, उनको बताएँ कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, हम उनको उनकी इमदाद के लिए यहाँ पर राशन इकट्ठा करना चाहिए। देखें अब जिस तरह की एक और बड़ी ज़बरदस्त बात हो रही है कि उनका जो फ्यूल है वो भी बंद हो रहा है, लेकिन उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। ये नाच गाना इससे क्या होगा, ये तो हम अपने माशरे को ना और ही पता नहीं किस तरफ लेके जा रहे हैं। उन्होंने अपने जो समझने के लिविंग स्टाइल है ना उसको ही चेंज कर दिया। दिल दुखता है जब मैं दुकान बंद करके घर जाता हूँ और लोग क्रिकेट मैच देखे जी आज तो मैच हार गए हैं और बड़ा दुख हुआ, उनको इस चीज़ का दुख है, उनको ये नहीं पता फलस्तीन में हमारे भाई हमारे बहन मुसलमान भाई जो शहीद हो रहे हैं, छोटे छोटे से बच्चे लाशें उठा के लेके जा रहे हैं। यार तकलीफ़ होती है, यकीन माने कि मुझे समझ नहीं लगती ये क्या पाकिस्तानी कौम है कि हक के लिए उठती नहीं है, बोलती नहीं है, पता नहीं इसराइल से कुछ लेके खाया हुआ इन्होंने, पता नहीं क्या, या तो पासपोर्ट पे लिखा हुआ है सवाई इसराइल के, या हर जगह इस्तेमाल हो सकता है, इसराइल नहीं जा सकते, तो भाई इसराइल का इतना साथ क्यों देते हैं भाई? इनको कम से कम उसके वहाँ अपने मुसलमान भाई के लिए हक में उठना चाहिए, इनके दिल मुर्दा हो चुके हैं। मैं तो इनको दिल मुर्दा ही कहूँगा कि एक मैच के लिए तुम अपना अफसोस कर सकते हो, और इसराइल में इतने लोग शहीद हो रहे हैं उसके लिए कोई बात नहीं, कोई आवाज़ नहीं बुलंद करता। बच्चों पर जुल्म किया जा रहा है, बच्चों को शहीद किया जा रहा है, बिल्कुल ऐसे बच्चों को शहीद किया जा रहा है।
इतने इस्लामी मुल्क हैं, उन सबको यकजा होना चाहिए, एक होके उठना चाहिए, आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। यार हम बॉर्डरों पे नहीं जा सकते, हम क्या कर सकते हैं, हम नहीं कुछ कर सकते, लेकिन कम से कम हम लोग इकट्ठे होके और निकल सकते हैं, इसराइल के खिलाफ बोल सकते हैं। जो गजा पे उन्होंने बमबारी की है, इतना जुल्म कर रहे हैं अभी तक, यहाँ तक कि हॉस्पिटलों तक पे यार बमबारी उन्होंने कर दी। कसम खुदा की इतना दुख होता है मुझे तो कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं वो देखता हूँ ना, तो मैं हैरान हूँ कि हम कैसे मुसलमान हैं यार। हम मुसलमानों को कम से कम उठ के निकलना चाहिए यार, अपने घरों से इकट्ठे होना चाहिए, ताकि उन पर इतना दबाव पड़े, प्रेशर पड़े, उन्हें पता चले कि यार सारे ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं, तो हमें कुछ कम कर देना चाहिए, कुछ ख्याल करना चाहिए। मैं तो हैरान हूँ, ये इतनी जमातें बनी हुई हैं, ये सारी जमातें इकट्ठी, 13 जमातें इकट्ठी होकर एक इमरान खान के पीछे पड़ी हुई है, वो 9 मई के सानिया के पीछे पड़ी हुई है। वो 9 मई का सानिया क्या है, ये तो अवाम पर बोझ डाल दिया इन्होंने, अवाम को सारा 9 मई का सानिया बना दिया कि अवाम ही है, सब कुछ अवाम ने किया है। तो भाई मैं हैरान हूँ, ये फ़ौज हमारी किस काम की? इस फौज को चाहिए कम से कम कुछ अल्फाज ऐसे, कोई बयान ऐसे कर दे कि कम से कम इसराइल को ये तो पता हो कि पाकिस्तानी फ़ौज हमारे इस मसले में उठ खड़ी हुई है, बोली है। हम कुछ कर नहीं सकते यार, ज़ुबान से बोल तो सकते हैं ना, हम तो इतने भी नहीं हैं कि अपने, कहते हैं ना ईमान का दर्जा, हम ईमान के सबसे निचले दर्जे भी नहीं हैं कि कम से कम बोल के ही अदायगी कर दें कि यार नहीं, हम इसराइल के ख़िलाफ़ हैं और हम गजा के अपने बहन भाइयों के साथ हैं। क्या है बनेगा, मेरी तो खुद समझ से बाहर है कि मैं तो यकीन माने कि आप आए हैं, मुझे इस चीज़ की खुशी है, तो लिहाजा मैं भाई जो आप कह रहे हैं फेस्टिवल, मैं तो भाई इसके ख़िलाफ़ हूँ। कोई फेस्टिवल नहीं, कोई धूमधड़का नहीं, कुछ नहीं, मुझे ना इन मैचों से कुछ लेना देना, ना वर्ल्ड कप से लेना देना। यार हमारा मुसलमान भाई शहीद हो रहा है, मर रहा है, और हम लोग जहाज के लिए उठ नहीं रहे। चलो जहाज नहीं कर सकते यार, अल्फाज अपने मुंह से अल्फाज तो बुलंद कर सकते हैं ना, कहने यार उनके साथ ज्यादती हो रही है, तो लिहाजा उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। भाई बताइएगा कि एक तरफ तो जुल्म हो रहे हैं जी, जी इसराइल बदमाशी कर रहे हैं जी, बदतरीन जो है वो बमबारी की जा रही है, फलस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है, बच्चों को शहीद किया जा रहा है, और यहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट की बेहिसी देखें कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो एक फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, यहाँ पर हमें रैलियाँ निकालनी चाहिए, उनके लिए कैंप लगाने चाहिए, उनके लिए इमदाद करनी चाहिए, ना कि इस तरह का आवाम के लिए एक शुगल प्रोग्राम रखना चाहिए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? भाई मेरा तो सबसे पहला सवाल ये है कि हमारी हुकूमत को इस चीज़ का फुल एक्शन लेना चाहिए, और इसके अलावा आर्मी चीफ को करना चाहिए। हमारे जो हुक्मरान हैं ये तो बिल्कुल जो है ना सो रहे हैं, इस चीज़ को देख कर भी अनजान बने हुए हैं। इसके अलावा और काफ़ी जो है ना हमारे रैलियाँ निकलनी चाहिए, उनकी इमदाद करनी चाहिए, बल्कि लोगों के अंदर ये शौर पैदा करना चाहिए, ये देख लें कि जुल्म हो रहा है। हम मुसलमान भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, कितने ममालिक हैं, और किसी ने भी इस चीज़ को जो है ना सीरियस नहीं लिया। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, हमारे हुक्मरानों को करना चाहिए। अवाम को, अवाम तो वो बोल रही है, लेकिन हमारे हुक्मरान जो है वो इस चीज़ को जो है ना सीरियस नहीं लिया, बेस हुए पड़े हैं। तो आप क्या लोगों को पैगाम देते हैं जो फेस्टिवल पे जाएं या फलस्तीन की आवाज़ बने? मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं, जो मुसलमान ममालिक हैं, इन सब को जो है फलस्तीन की आवाज़ बननी चाहिए और उनके साथ खड़ा होना चाहिए। ये तो बेगैरती है सर, जो ये कंजरखाना लगा हुआ है इसमें नहीं जाना चाहिए, भरपूर उनकी इमदाद करनी चाहिए और उसके अलावा उनकी हमायत करनी चाहिए। समझिए ये गलत हो रहा है, बिल्कुल सरासर गलत हो रहा है, ये ज्यादती हो रही है। ये जंगजू बन के उधर पहुंच जाना चाहिए, हमारी हुकूमत हमें कोई ऐसा वो दे कि जिसमें हमें वहाँ पे जाने के प्राइज हो, जान अल्लाह के अल्लाह को देनी है, लेकिन हमारे जो मुसलमान बच्चों के साथ, बहनों के साथ, माओ के साथ, भाइयों के साथ उधर जुल्म सितम हो रहा है, ये अगर जितने जो गए हमें अल्लाह पाक, ये हमारी हुकूमत हमें सिर्फ इतनी इजाज़त दे दे, कोई फैसिलिटी दे दे कि वहाँ पर हमें पहुँचा दिया जाए, कि हम वहाँ पे जाके एक नहीं तो दो नहीं, ये काफर एक आता तो मारेंगे ना, जुल्मों से तम खत्म हो। आप कह रहे हैं जिहाद पे जाना चाहिए, जिहाद पे जाना चाहिए, जैसे पहले, जैसे पहले जाते कश्मीर के लिए जाते थे। हाँ जी, ये जिहाद के टाइम है जो फलस्तीन में हो रहा है ना इस टाइम, ये तो उन्हीं को पता है कि जो हम तो क्योंकि इसराइल कह रहे हैं कि हमने इनको नेसो नबूद कर देना है, इंशाल्लाह वो खुद नेसो नबूद होगा इंशाल्लाह। बहुत ज्यादा मुजालिम ढाए जा रहे हैं बच्चों, जो मैं कह रहा हूँ अस्तगफार भाईजान, जो बच्चों का उधर माओ का पता नहीं, 60% जो है ना वो बच्चे मारे जा रहे हैं, उनको शहीद किया जा रहा है अस्तगफार। मैं यही आपको कह रहा हूँ कि जिहाद का ये अहमियत है मुसलमानों को, ये जिहाद के लिए भेजे यहाँ से, हमारी आर्मी को तो सिर्फ माशाल्लाह खाने का ही पता है, इतने परसेंट वहाँ से लेना, इतने परसेंट वहाँ से लेना, बाकी उन्हें और किसी चीज का नहीं। अच्छा, इस दुख दर्द की घड़ी में आप पंजाब हुकूमत को क्या मैसेज देते हैं? मैं कह रहा हूँ पंजाब हुकूमत, अगर तो मेरी समझ से ऐसी पंजाब हुकूमत को कोई भी नहीं है, वो अंधे
बहरे बैठे हुए हैं, उन्हें कुछ नहीं नजर आ रहा, सारा कुछ नजर आ रहा अपने वोटों के चक्करों में पड़े हुए हैं, अपनी झूठी सियासत चमकाने के चक्करों में पड़े हुए हैं, जुल्मो सितम उन्हें कोई नजर नहीं आ रहा। अल्लाह ने तो ऐसी पंजाब हुकूमत में, हमें ऐसी पंजाब हुकूमत नहीं चाहिए, हमें वो हुक्मरान चाहिए जो अल्लाह के जन्मन मुजाहिद मुजाहिद चाहिए। ये खाने वाले, ये देखें मियाँ साहब माशाल्लाह करोड़ों खरबों अरबों का गपन करके, उन्हीं को उसी पुलिस ने, हम छोटा सा मसला कर दें हमारे घरों में एसपीओं की पता नहीं किन किन की रेटिंग शुरू हो जाती है। उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा, हर चीज की जा रही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। अल्लाह उनका भी भला करे, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो इस टाइम फलस्तीन के साथ हो रहा है ना, उसके लिए सब मुसलमानों को यज्ञता होना चाहिए और जहाद की तैयारी करनी चाहिए। यहूदी हमें कुरान से मेल के हमारे ऊपर चढ़ रहे हैं और हम अपने कुरान का समझ ही नहीं पड़ रहे कि हमारा कुरान हमें बता क्या रहा है। हमें पता ही नहीं चल रहा कि कुरान हमारे तमाशा करने के लिए कह रहा है। ये जो तमाशा अगर हो रहा है, ये कुरान ने कहा है हमें करने के लिए? नहीं कहा। लेकिन क्या कहा है कि मुतहिद हो जो अस्तगफार करने के लिए कहा है। कौन अस्तगफार कर रहा है बताएं, यहाँ पे कौन सा बंदा है जो अस्तगफार कर रहा है? दुआएं करनी चाहिए उनके लिए। अब दुआ कौन करेगा? अब हमारे उलामा जो है वो कहते हैं दुआ कर लें। दुआ कैसे की जाएगी? दुआ का करने का मकसद क्या? दुआ का करने का मकसद है आप लोग इकट्ठे तो हो, कम अज कम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो। जो मियाँ साहब ने मीनारे पाकिस्तान में इतना बड़ा जलसा किया किया, मियाँ साहब को वहाँ पे चाहिए था भी, हाँ भी हम सब बैठ के एक दफा इस्तगफार पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, मिलके पढ़ते हैं, शोदा के लिए, कोई शोदा के लिए दुआ करते हैं, बात करते हैं, लेकिन नहीं हुआ। करना चाहिए, हमें करना चाहिए। हम सब नगर नहीं मिलेंगे तो कल ये सब हमारे मुसल्लत है और ये हम सब लोगों के ऊपर, हम मुसलमानों के ऊपर यहूदियों ने मुसल्लत होना ही है, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है। लेकिन हमारे ऊपर जब हमने इनके ऊपर मुसल्लत होना है तो हमारे जनाब अपना उन्होंने आना ही आना है, पूरा आके इमाम मेहंदी ने आके अपना काम दिखाना ही दिखाना है, उन्होंने इनके ऊपर जवाल इनका लाना ही लाना है। अच्छा, जो लोग इस फेस्टिवल का हिस्सा बनेंगे या जो लोग जाएंगे तमाशा देखेंगे, कि आप क्या कहते हैं कि उनको क्या नहीं जाना चाहिए? या फलस्तीन का हम बर्गर खाना छोड़ेंगे नहीं, कोक भी नहीं छोड़ेंगे नहीं, पेप्सी भी नहीं छोड़ेंगे नहीं, तो ये शो कैसे छोड़ेंगे? सही बात है, सही। आप मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दें, मैकडोनल्ड से ऑफ करना कोई बात नहीं है, ठीक है? बर्गर तो हम खा रहे हैं, बर्गर तो उनकी गेम है, ठीक है? अभी आप हार्डीज पे चले जाए, रश तो वहीं पे ही है, ठीक है? मैकडोनल्ड है तो रश वहीं है, हमारा मिक्स क्लब वही है। जब तक हम इन लोगों को बैन नहीं करेंगे, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बैन जो है ना हमारी कोक है। हाँ जी, हमारा बच्चा भी जो है ना, अगर हम किसी शॉप पर जाके कहते हैं कि हमें कोक नहीं है, वो कोक ही मिलेगी उसको। जब हम खुद ही प्रमोट कर रहे हैं यहूदी को कोक के लिए, हम अपने मुल्क में कोक बैन नहीं कर सकते, ये कहाँ से बैन होगा? ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि फुल एंड फुल उनके साथ बायकॉट करे। इंडिया नहीं कर रहा बायकॉट, कौन सा कंट्री है जो नहीं बायकॉट कर रहा? अब कनाडा में चले जाएं, कनाडा में मेरे दोस्त हैं, या उन्होंने वहाँ पे इसराइल की बायकॉट की है, उन्होंने कहा इसराइल की कोई चीज़ हम नहीं लेंगे क्योंकि वो जुल्म कर रहे हैं। जर्मनी में जुल्म हो, जर्मनी में उन्होंने कहा हमने इसराइल की कोई चीज़ नहीं लेनी। क्या है, हम मुसलमान होके नहीं कर रहे? हाँ, हम बायकॉट ही नहीं कर रहे। हम अगर बायकॉट नहीं करेंगे, हमारा मोनोग्राम यहाँ पे जो चल रहे हैं, अब यहाँ पे जो मोनोग्राम वो एडिडास का क्या है? जब तक मैं एडिडास नहीं पहनूंगा, मुझे ये कौन कहेगा कि मैं एडिडास का पहन के कौन क्या कर रहा हूं? एडिडास नहीं पहनेंगे, मोबाइल आईफोन नहीं रखेंगे, तो फिर तो आपकी शिनाख्त क्या होगी? क्या होगी? तो ये जब तक हम इन चीजों से बैकआउट नहीं करेंगे, हम मुसलमान मुसलमान नहीं कहलाएंगे। मतलब कि आप कह रहे हैं जो रवायात हैं, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें रवायत दी, वो अपनानी चाहिए, ना कि वन ऑफ ऑल कुरान, बस अल्लाह और अल्लाह का रसूल, ये तीन चीजें, चौथी आपकी अहले बैत, ये चार चीजें अगर हम लोग नहीं अपनाएंगे ना, हम लोग जवाल के वजीर में बढ़ेंगे और हम के हमारे ऊपर यहूदी मुसल्लत होंगे, और ऐसे नहीं होंगे, मारेंगे हमें, वो चुन चुन के मारेंगे।